Hello students, welcome back to another session of English, Nelson Mandela. So students, last lecture में हमने देखा था कि Nelson Mandela जो है वो कैसे apartheid system से fight करते हैं, कैसे उन्होंने ceremony जो है जहाँ पर सारी countries के people when there was apartheid जब practice होता था South Africa में, तब सारे countries जो है वो क्या है students, वो उनके साथ कोई relation maintain करना नहीं चाहते थे South Africa के साथ. And जब ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई, when they defeated the white minority, that is British, उसको defeat किया and they ruled themselves, तब inauguration के time पे students as a guest बहुत सारे countries, सारे countries बोल सकते हो आप, सारे countries के president, prime minister जो भी है, they came to attend this ceremony. On the day of inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of 20th century, students, decade का मतलब होता है 10 years. 20th century, that is 1901 से लेके 1999. ये आपका 20th century हुआ. आज हम 21st century में जी रहे हैं, that is we are staying in 2000. हमेशा century आगे होता है, years पीछे से गिना जाता है. तो इनॉग्रेशन का डे था स्टूडेंट्स, एंड वो टाइम पे हमने देखा था कि फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने ओथ ले चुके थे वो, एंड अब बारी थी नेल्सन मंडेला की. तो वो इनॉग्रेशन के टाइम पे वो बहुत ही खुश थे, उनके दिमाग में हिस्ट्री आ रही थी एंड उन्हें ऐसा अच्छा लग रहा था कि हाँ, हमने हिस्ट्री को क्या किया, हमने हिस्ट्री में जो डोमिनेशन था हमने उसे डिफीट कर दिया एंड उसी चीज से वो ओवरवेलम हो गए थे. In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my birth, the white skin peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skin peoples of their own land. So students, ye Anglo-Boer War kya hai, yahan par maine niche diya hai, it is a war fought between the British Empire and two independent Boer states. ये स्टेट्स जो साउथ अफ्रीका के हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कौन से दो स्टेट्स हैं, साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक एंड ऑरेंज फ्री स्टेट, ओवर द एम्पायर इन्फ्लुएंस इन साउथ अफ्रीका. तो ये किसके बीच में थे, एक काइंड ऑफ बोल सकते हो आप कि साउथ अफ्रीका के जो दो स्टेट्स हैं उनके एंड ब्रिटिश एम्पायर के बीच का झगड़ा था, जिसमें एंग्लो बोयर वॉर में जो इंग्लिश है, जो ब्रिटिश है, वो जीत गए थे. तो स्टूडेंट्स, तभी नेल्सन मंडेला का बर्थ भी नहीं हुआ था, आप देखोगे उनकी बर्थ नहीं हुआ था यहाँ पर. तब क्या हुआ था, एंग्लो बोयर वॉर जस्ट खत्म हुआ था एंड उनका बर्थ नहीं हुआ था. तब व्हाइट स्किन पीपल जो थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने क्या किया, डिफरेंसेस को पैचअप किया एंड उन्होंने ऐसा सिस्टम, रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम सेटअप कर दिया जिससे डार्क स्किन पीपल के अगेंस्ट क्या होगा, व्हाइट वाले डोमिनेट करेंगे, मतलब जो व्हाइट है वो ब्लैक को डोमिनेट करेंगे, ऐसा एक सिस्टम यहाँ पर इरेक्ट कर दिया. इरेक्ट किया मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, खड़ा कर दिया, बनाया, एंड वो भी साउथ अफ्रीका के ही लैंड पे साउथ अफ्रीका को डोमिनेट किया, साउथ अफ्रीकन पीपल. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन. तो स्टूडेंट्स, ये जो उन्होंने डोमिनेशन क्रिएट किया था बेस्ड ऑन रेशियल, रेसिज्म के बेसिस पे जो डोमिनेशन था, दैट इज द व्हाइट डोमिनेटेड ब्लैक पीपल, ये क्या था स्टूडेंट्स, सबसे हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज में कंसिडर किया जाता था. मतलब ऐसा बिहेव कोई किसी के साथ नहीं करता, तो पूरे वर्ल्ड में ये सबसे वर्स्ट अनपॉपुलर माना जाता था. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माय ओन 8th डिकेड एज अ मैन, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात चल रही है लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब क्या होता है इसका, 20th सेंचुरी मतलब 1901 टू 1999, लास्ट डिकेड मतलब 1991 टू लेके 1999 तक. तो ये लास्ट डिकेड 10 इयर्स हुए, 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड 10 इयर्स हुआ, एंड तभी ये बता रहे थे कि उनकी एज क्या थी, ओन 8th डिकेड मतलब 80s, 8th डिकेड मतलब 80. 1 decade is equal to 10 years. So 8 decade is equal to 80 years. So यहाँ पर वो 80s में थे. That system has been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of their color of their skin. So students, यहाँ पर वो time बता रहे हैं कि 20th century का last decade
एंड वही लास्ट डिकेड पे उनकी एज क्या थी, 80s में थी। वो टाइम पे क्या किया था स्टूडेंट्स, एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसने जो अर्ली सिस्टम था रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम, उसे टोटली क्या कर दिया था, रिप्लेस किया था। मतलब रेशियल डोमिनेशन अभी कहीं पर फॉलो नहीं करते थे, अब लोगों की राइट्स फ्रीडम्स उनको दे दी गई थी रिगार्डलेस ऑफ स्किन कलर, चाहे व्हाइट हो, ब्लैक हो, कलर्ड हो, कोई भी हो कॉम्प्लेक्शन, लेकिन फिर भी आपको राइट्स मिलेंगे, फ्रीडम मिलेंगे, इक्वालिटी मिलेगी। तो ये स्टूडेंट्स आप मान सकते हो कि नेल्सन मंडेला का बर्थ ही इस चीज के लिए हुआ था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टॉप करने के लिए या डोमिनेशन स्टॉप करने के लिए। 80s में फाइनली उन्होंने क्या किया, व्हेन ही वाज इन 80s उन्होंने ये सिस्टम को स्टॉप करवा दिया। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। अब स्टूडेंट्स वो दिन जो है जब डोमिनेशन एंड हो गया, वाइट्स को हरा दिया, तो वो स्टूडेंट्स ऐसे ही नहीं आता है, ये स्ट्रगल के थ्रू ये इंडिपेंडेंस मिलता है। तो ये अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला, कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल सैक्रिफाइस। जिनके सफरिंग्स एंड करेज की बात करें तो वो बात करने लायक भी नहीं है, मतलब बोल सकते हो कि हम वो बहुत कम है, उनकी तारीफ करें तो भी क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज उनमें जो करेज है एंड उन्होंने जो सफर किया है दैट इज हैट्स ऑफ, वो कभी हम रीपे नहीं कर सकते, ऐसा नेल्सन मंडेला बोलते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. So students, ये क्या बोल रहे हैं कि आज का दिन ही नहीं, मुझे सारे दिन याद है, and सिर्फ मैं अकेला नहीं, मेरे साथ सारे African patriots जो भी मेरे struggle में शहीद हो गए हैं, मेरे पहले जिनकी, अभी से पहले जिनकी भी डेथ हो गई है, सारे पैट्रियट्स इस स्ट्रगल में जिन्होंने अपनी जान दी है, वो सारे मेरे साथ हैं, उन सारों को मैं याद करता हूँ आज भी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। अब उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि ये टाइम पे जब उनकी वजह से अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिला है, उनकी स्ट्रगल की वजह से, उनके करेज की वजह से, पैट्रियट्स के करेज की वजह से जब उन्हें क्या मिला है स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस मिला है, तब वो ये इंडिपेंडेंस देखने के लिए नहीं रहे। तो नेल्सन मंडेला इज वेरी सॉरी एंड ही इज सॉरी बिकॉज ही इज नॉट एबल टू थैंक देम, वो उनको थैंक नहीं कर पा रहा है, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस आर ब्रॉट, मतलब उनके सैक्रिफाइसेस को उन लोग क्या सैक्रिफाइसेस का क्या रिजल्ट है, जैसे उनको इंडिपेंडेंस मिला वो ये देखने के लिए नहीं रहे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड। वुंड का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक काइंड ऑफ घाव। इन माय कंट्री एंड माय पीपल ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। तो उन्होंने बोला स्टूडेंट्स की अपार्थीड सिस्टम जो है ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है एंड इसने क्या किया है उनके कंट्री एंड उनके लोगों को बहुत ठेस पहुंचाई है, मतलब ये ऐसा गुंड ऐसा घाव है जो दो चार दिन में नहीं हो सकता, इससे इयर्स एंड इयर्स लगेंगे, हमें सारों क्या करना है, हमें इयर्स एंड इयर्स लगेंगे ये अपार्थीड सिस्टम को भुलाने के लिए, ये जो भी टॉर्चर एक्सेट्रा जो व्हाइट्स ने किया है उसे भुलाने हमें बहुत टाइम लगेगा, इफ नॉट जनरेशन, मतलब जनरेशन तक नहीं जाएगा ये, उन्हें कुछ नहीं पता होगा लेकिन जो पीपल ने उन्हें सहन किया है वो सारों को बहुत टाइम लगेगा इससे रिकवर होने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटालिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टंबोस, द वॉल्टर सिसिलिस, द शीफ लिथुलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्राम फिशर्स, the Robert Sobukwe of our time, men of such ordinary courage, wisdom, generosity that their like may never be known again. So students, यहाँ पर बताया जा रहा है नेल्सन मंडेला उनके जो extraordinary courage वाले people है, ये छह के नाम हमने जो लिए,
बोल सकते हो ये ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी जो है उन्होंने ऐसे लोगों को प्रोड्यूस किया, ऐसे पीपल जो है जिन्होंने क्या किया, अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, विजडम, जेनरोसिटी के साथ इसे फाइट किया. एंड इन्हीं की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम बोल सकते हो कि साउथ अफ्रीका के पीपल जो है उन्होंने ये स्ट्रगल को अकम्प्लिश किया, स्ट्रगल सक्सेसफुली कंप्लीट की, इंडिपेंडेंस मिला. तो वो इनको सल्यूट कर रहे हैं, इनके जेनरोसिटी, इनके करेज को सल्यूट कर रहे हैं. एंड वो बोल रहे हैं कि इनसे ज्यादा और इनसे इनके जैसा अब कोई नहीं बन सकता, इनके जैसा करेजियस एक्सेट्रा कोई भी जेनरस पर्सन अभी नहीं मिलेगा आपको. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. स्टूडेंट्स, इतना इतना मजबूत, इतना करेजियस बनने के लिए उतना ऑपरेशन सहन करना पड़ता है. अगर आप ऑपरेशन, आप हार्डवर्क करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा. वैसे ही इन्होंने क्या किया, डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन को उन्होंने सहा है, बहुत गंदा ऑपरेशन सहा है, टॉर्चर सहा है, तब जाके वो इतने बेस्ट कैरेक्टर्स बने हैं. अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मेरे कंट्री में बहुत ज्यादा मिनरल्स है, लेकिन उससे भी अच्छी वेल्थ, उससे भी अच्छा मिनरल मेरे पास है, वो है मेरे लोग, मेरा पीपल. जो साउथ अफ्रीका के पीपल है उन्होंने उसे डायमंड्स के साथ कंपेयर किया है. वो बोलते हैं कि मेरे यहाँ पर भले ही बहुत ज्यादा मिनरल्स है, जेम्स है जो हमारे सॉइल में है, लेकिन सबसे बड़ा वेल्थ जो है, पैसा जो है हमारे पास, वो क्या है, हमारी पीपल ही है जो एक डायमंड्स की तरह है. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीकन पीपल को सल्यूट करते हुए उन्हें डायमंड्स के साथ कंपेयर किया है. इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. Time and again, I have seen men and women risk their lives for an idea. So students, Nelson Mandela बोलते हैं कि मैं भी पहले से courageous नहीं था, लेकिन मैंने जब मेरे friends को, मेरे fellow persons को, जब मेरे साथ जो थे उन्हें जब struggle करते हुए देखा and courageous बनते हुए देखा, जब मैंने देखा कि सारे men women जो अपनी life को risk कर रहे हैं एक struggle के idea के लिए, उनको आजादी चाहिए इसलिए अपने लाइफ को उन्होंने क्या कर दिया, रिस्क पे छोड़ दिया, तब उन्होंने बताया कि मुझे भी ऐसा लगा मुझे मेरे कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए. मतलब उन्हें जो वुमेन मैन है जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क किया है, जो कॉमरेड्स है जो उनके साथ स्ट्रगल में थे, उन्हीं से उन्हें क्या मिला है, करेज मिला है एंड स्ट्रगल के लिए एक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस किया है. आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination. अब उन्होंने देखा है कि बहुत men जो है, आपको यहाँ पर भी image में दिखेगा students, कि ये क्या है, आप देखोगे ये एक person, South African person है and English people क्या कर रहे हैं, उन्हें torture कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं. तो Nelson Mandela बोलते हैं कि मैंने बहुत men को देखा है जिन्होंने torture attacks जो है without breaking their inner soul. इतने स्ट्रॉन्ग बने थे स्टूडेंट्स वो कि उन्होंने टॉर्चर एंड अटैक्स को बहुत स्ट्रेंथ के साथ फेस किया, जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना करेज था उन्होंने उनमें. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, करेज का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ फियर, अगर आप में डर नहीं है तो आप में करेज है, ऐसा नहीं होता. लेकिन हर एक पर्सन को कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डर लगता है, लेकिन जब वो पर्सन वो डर को कॉन्कर कर लेता है, वो फियर पे जीत जाता है, तब उसे ब्रेव पर्सन कहा जाता है. आपको भी डर रहेगा, किसी को एग्जाम्पल देती हूँ, किसी को स्विमिंग से डर लगता है, पानी से डर लगता है, लेकिन वो फियर को वो ओवरकम कैसे करेगा, जंप मारेगा, स्विमिंग सीखेगा, एक्सेट्रा, करेक्ट. तो जब वो बहुत फीट से जब जंप मारेगा पानी के अंदर, तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ही इज कंसिडर्ड एज ब्रेव पर्सन बिकॉज ही हैज कॉन्कर्ड दैट फियर, वो जीत चुका है. तो कोई भी पर्सन, करेजियस पर्सन में फियर नहीं होता, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फियर को
जीत जाता है, दैट इज ट्रायंफ का मतलब होता है विक्ट्री, फियर पे जीतना. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और इज बैकग्राउंड और इज रिलीजन. स्टूडेंट्स आपका बर्थ होता है तभी से क्या आप में दिमाग होता है कि नहीं ये ब्लैक है तो इससे दूर रहो. अभी तो आपको बर्थ हुआ है तो कोई भी पर्सन को हेट करना नहीं सिखा दिया जाता, इट इज नॉट इनबॉर्न. आपके बर्थ से ही आपको ये सब चीजें नहीं पता होती कि अरे ये रिलीजन होता है, अरे ऐसा होता है वैसा होता है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. For love comes more naturally to human heart than its opposite. So students यहाँ पर बोला है कि अगर आप लोगों को hate करना सिखा सकते हो तो आप उनको प्यार करना भी सिखा सकते हो. क्यों? क्योंकि आप जब आपका birth होता है तो सबसे पहली feeling जो होती है वो love की होती है, जो आप में naturally आती है. Hate तो करवाया जाता है, लोग आपको बोलेंगे ये person के बारे में, XYZ person के बारे में कि ये खराब है, ये है, वो है, तो आप में एक्चुअली नेचुरली नहीं लेकिन आर्टिफिशियली एक हेट डेवलप होता है, लेकिन लव तो नेचुरली डेवलप होता है. तो यहाँ पर यही बोला है कि आपको लोगों को, आप जब लोगों को हेट करना सिखाते हो तो आप ये मत भूलिए कि आप उनको लव करना भी सिखा सकते हो. क्यों? लव तो बहुत ईजी है सिखाना बिकॉज वो तो नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट में. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. So students, यहाँ पर एक एक किस्सा जो है, एक kind of event Nelson Mandela ने बताया है जब वो prison में थे. क्या हुआ? वो अपने friends के साथ, मतलब जिनके साथ उनको jail में डाला था, तो वो prison में थे and उनके साथ बहुत torture किया जा रहा था उनको. उनके साथ बहुत गलत बिहेव किया जा रहा था. लेकिन तभी स्टूडेंट्स क्या हुआ, वहां के गार्ड्स जो है ना, उनमें से एक गार्ड्स में ह्यूमैनिटी झलकी, काइंड ऑफ बोल सकते हो कि रे ऑफ होप. मतलब कहीं ना कहीं किसी गार्ड ने नहीं सहन हुआ किसी गार्ड को कि इन पे अत्याचार हो रहा है, इन पे टॉर्चर हो रहा है, तो एक सिर्फ बोल सकते हो फीलिंग जो थी वो ही नेल्सन मंडेला के लिए काफी थी कि हाँ आज भी लोगों में इंसानियत है, कि ये जो गार्ड है उसमें ह्यूमैनिटी है. एंड उससे ही वो क्या हो गए स्टूडेंट्स, रीअश्योर हो गए एंड वो और आगे लड़ते गए. सो मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. तो यहाँ पर मैन की गुडनेस जो है, उनका अच्छापन है, वो एक फ्लेम की तरह है. आप उसे छुपा सकते हो लेकिन कभी एक्सटिंग्विश, खत्म नहीं हो सकता. तो यहाँ पर यही बताया है, जो गार्ड है जब वो जेल में थे तब उनके साथ टॉर्चर वगैरह होता था, लेकिन जो गार्ड है, एक गार्ड ने क्या बोला कि आप हिम्मत मत हारो एक्सेट्रा, जिससे वो क्या हो गए स्टूडेंट्स, और अश्योर हो गए एंड उन्होंने अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखी. लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हार चुक सकते थे, लेकिन जस्ट उन्होंने देखा कि ह्यूमैनिटी आज भी है एंड हमारी हेल्प के लिए है, तो उन्होंने अपनी स्ट्रगल आगे चालू रखी. इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस. उन्होंने बोला कि क्या है, हर एक इंसान, हर एक मैन जो है, एवरी मैन, उनके टू ऑब्लिगेशंस है. टू ऑब्लिगेशंस मतलब ड्यूटी. पहला ड्यूटी क्या होता है स्टूडेंट्स, हर एक मैन का, आपके फादर का ड्यूटी क्या है स्टूडेंट्स, कि उनको क्या करना है, एज अ पेरेंट अपने बच्चों का ध्यान रखना है एंड अपनी वाइफ का भी ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है. ये पहली ड्यूटी है. सेकेंड ड्यूटी उन के लिए क्या होता है, अपने पीपल, अपने कम्युनिटी एंड कंट्री के लिए भी सर्व करना. तो जैसे मैंने आप इमेज में बताया है, नेल्सन मंडेला जो है वो एक साइड, आप देखोगे नेल्सन मंडेला यहाँ पर कंट्री को सर्व करते हैं, वेर इज सेकेंड साइड. ये नेल्सन मंडेला का इमेज नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन एक फैमिली का इमेज है, जो एक पर्सन, जो मैन है, वो अपनी फैमिली को सर्व कर रहा है. तो यहाँ पर एक ही एक इंसान को कंट्री भी सर्व करनी पड़ती है एंड अपने फैमिली पे भी ध्यान रखना पड़ता है, तो दो ऑब्लिगेशन होते हैं. लेकिन जब कंट्री बुलाए ना स्टूडेंट्स, तब पर्सन को अपनी फैमिली भी क्या करनी पड़ती है, छोड़ देनी पड़ती है. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी. क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, एक सोसाइटी में
हर एक पर्सन को अपने दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने पड़ते हैं अपनी एबिलिटीज के थ्रू. अब कुछ मैन जो होते हैं, कुछ मेन, उनमें एबिलिटीज नहीं होती तो वो अपने दोनों लाइफ को स्टेबिलिटी नहीं दे पाते, बैलेंस नहीं कर पाते, या अपनी फैमिली लाइफ में अनसक्सेसफुल रहते हैं, या तो अपने कंट्री के टूवर्ड्स अनसक्सेसफुल हो जाते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑल ऑन एबिलिटीज. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन. अब स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका कंट्री की बात करो एंड ऐसे इंसान की बात करो जो जिनका बर्थ साउथ अफ्रीका में हुआ है एंड ब्लैक कलर है उनका स्किन का कलर, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अपनी कंट्री को सर्व करना एज वेल एज अपनी फैमिली को देखना, बिकॉज उनपे उतना ऑपरेशन होता है तो वो सब कुछ नहीं सहन कर पाता. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका में क्यों मुश्किल है स्टूडेंट्स दोनों फुलफिल करना, दोनों ऑब्लिगेशन ड्यूटीज? क्यों? बिकॉज एक कलर्ड मैन जो है, दैट इज ब्लैक कलर या एक्सेट्रा, जो व्हाइट नहीं है, उनके लिए ह्यूमन बीइंग की तरह रहना एक पनिशमेंट थी एंड उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता था. मतलब अगर वो अपनी कंट्री साउथ अफ्रीका के लिए लड़ेंगे तो क्या होता था स्टूडेंट्स, उनको पनिश कर दिया जाता था, उनको कहीं पर दूर जेल में डाल दिया जाता था. तो इट वॉज लाइक आप आपकी कंट्री को सर्व नहीं कर सकते. इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. So students, South Africa mein agar koi bhi person apni duty kar raha hai, apni country ke liye lad raha hai, to use kya kar diya jata tha, apni family se snatch kar diya jata tha, ghar se nikal diya jata tha, matlab government jo white government wo unhe apne family se hata deti thi, लेके जाती थी एंड सीधा कहां पर जेल में डाल देती थी एक अलग लाइफ जीने के लिए. मतलब फैमिली से भी दूर हो जाना एंड जेल में रहना, एंड इट इज अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन. एंड ये क्या होता था स्टूडेंट्स, यहीं से उनका रेबेलियन स्टार्ट होता था, एक ऐसी दुनिया जहां पर देर इज लॉट ऑफ सीक्रेट्स एंड फाइट. I did not in the beginning choose to replace my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. Students, Nelson Mandela ne bhi kabhi choose nahi kiya tha, unhone kabhi bhi apne family se upar kisi ko nahi rakha, country ko bhi nahi rakha. लेकिन एक ऐसा टाइम आया स्टूडेंट्स जब क्या हुआ, वो हार गए एज अ सन, ब्रदर, फादर, हस्बैंड. उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें कंट्री को चूज करना पड़ा, उन्हें सर्व करना पड़ा. लेकिन ये उनका कोई डिसीजन नहीं था, ये क्या था, अपने कंट्री के लिए स्ट्रगल फाइट करना, एक स्ट्रगल वेज करना. तो स्टूडेंट्स आपको ये इमेज दिखेगा, ये इमेज नेल्सन मंडेला का है, उसकी उनकी उनकी फैमिली के साथ है. I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in the way that I could know. अब वो अपने बचपन के बारे में बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ वो क्या हूँ, मैं एक free person था. मतलब मैं, मेरा birth बोल सकते हो freedom के साथ हुआ था. वो अपनी life में total free थे, वो कहीं ना कहीं घूमते थे, कुछ भी करते थे, there was ultimate freedom. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. तो यहाँ पर क्या बोला है, वो किस चीज के लिए फ्री थे, मतलब वो क्या क्या करते थे. वो अपनी मदर के, जो मदर का हट है उसके आजू बाजू फील्ड है, वहां पर वो घूमते थे, भागते थे, फिर स्ट्रीम्स जो जाती थी उनके विलेज में स्विम करते थे, फिर वो मीलीज को रोस्ट करते थे अंडर द स्काई. कितना मजा आ जाए स्टूडेंट्स, स्काई ऊपर एंड आप नीचे मस्त से रोस्ट करके उसे खाओ. फिर आप बड़े बड़े जो बुल्स होते थे, स्लो में मूविंग बुल्स,
उनके ब्रॉड बैक्स पे राइड लेते थे, दैट इज बुल बुल राइड जो होता है वो. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by laws of man or God. So students यहाँ पर बोला है कि जब तक उन्होंने क्या किया, अपने फादर को ओबे किया एंड उनके ट्राइब मतलब उनकी कम्युनिटी में रहे, कस्टम्स वगैरह फॉलो किया है, तब तक उन्हें आउटसाइड लाइफ जो है लॉज है उन्होंने ट्रबल नहीं किया. लेकिन जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे कंट्री के टूवर्ड्स देखा, तब उन्हें पता चला कि हाँ बहुत ट्रबल्स है एंड लोगों को फ्रीडम नहीं मिली है अभी तक, कुछ भी नहीं है. सो उन्होंने फाइट करना स्टार्ट किया. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन. थैंक यू सो मच.